वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। यहाँ भोपाल से छतरपुर जा रही यात्री बस रायसेन से पहले दरगाह के पास रीछन नदी के पुल से नदी में गिर गई। यह हादसा रात 1:30 बजे के करीब हुआ। घटना में 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक छतरपुर जा रही बस पुल पर पहुंचने से पहले अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। रात होने की वजह से अधिकतर यात्री नींद में थे। बस के गिरते ही चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए तत्काल मौके पर पहुंच गए। वहीं लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर कोतवाली पुलिस बस व NDRF की टीम भी राहत के लिए तत्काल मौके पर पहुंच गई। रात 2:30 बजे तक 7 यात्रियों के शव नदी में आधी डूबी हुई बस से निकाले जा चुके थे। वहीं 3 दर्जन से ज्यादा घायल यात्रियों को बस से निकालकर इलाज के लिए विभिन्न वाहनों से जिला अस्पताल भेजा जा रहा था। घायलों में कुछ यात्रियों की स्थिति गंभीर है, मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि यहां पुलिया के पास एक गड्ढा है, इसमें तेज रफ्तार बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए सीधा उफनती हुई नदी में जा गिरी। हादसे में कुछ यात्रियों के पानी में बहने की बात भी सामने आ रही है। सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई थी और तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हादसे में यात्रियों को बचाने के लिए पानी में उतरी रेस्क्यू टीम को अंधेरे में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बस में फंसे यात्रियों को निकालने में टीम के कुछ सदस्यों को बस की खिड़की के कांच भी लग गए। बस को रस्सी के सहारे खींचकर सीधा किया गया और फिर यात्रियों को रस्सी के जरिए लाइफ जैकेट पहनाकर खींचकर बाहर निकाला गया। कहां से जा रहे थे, क्या हुआ पूरा? मैं इंदौर से आ रहा हूं ओम साईंराम बस में, और 11:30 बजे के बाद रायसेन के लिए भोपाल से बस रवाना हुई थी। छतरपुर तक जाती बस वो वैसे तो मेरे को रायसेन के खंडेरा उतरना था, तो बस वहाँ से आ रही थी भोपाल से रायसेन की ओर। तो जैसे जो दरगाह के पास जो पुल पड़ता है वहाँ से अब गाड़ी खा था कि इतनी स्पीड नहीं थी खास तौर पे, तो डिवाइडर से टकरा के 3-4 बल्टी खाई है गाड़ी, जिससे कि मतलब बस पलट गई, 2 चक्कर खाई पलट के, और पलटने से उसका पीछे का हिस्सा गिरा था पहली बार, तो दूसरी बार पलट गई, जिससे क्या कि बहुत से लोग दब गए उसमें, ज़्यादा नहीं तो 45 से ऊपर आदमी थे उसमें, और जिसमें 4 बच्चे भी थे और कुछ लोग रायसेन के भी थे उसमें, जिससे क्या है कि कैसे आप लोगों को पता चला कोई बचाने? भैया मैं तो जाग रहा था, मैंने मोबाइल का डाटा 2 मिनट पहले ही बंद करा था, तो मेरे भाई का छोटा भाई का फ़ोन आया था, तो मैंने अब मोबाइल जैसे ही जेब में रखा, जेब में रखते साथ ही बस में से आवाज़ आई है गिरने की, पलटा मैं और मैं यहाँ के बल गिरा, तो भगवान की कृपा के बच गया मैं, और जो लोग चले गए उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम पंकज सोनी है विदिशा से। तो बस पलटते टाइम पे पता चला, नहीं जग रहा था, थोड़ा पीछे था, पीछे साइड बैठा हुआ था। क्या मंजर था जब आपने देखा अंदर? 2 या 3 कुल टाइम में खा के नीचे गिरी है बस। नदी में गिर गई थी? करीब कितना फिट होगा आपको नॉलेज है? 60? नहीं इतना तो नहीं, 20-22 फिट तो होना चाहिए। कितने लोग थे उसमें? सब सीटों पे पैसेंजर बैठे हुए थे, कोई भी सीट खाली नहीं थी, नीचे की भी और ऊपर पीछे का कह नहीं सकता, बाकी पूरी ऊपर सभी बैठे थे लगभग। क्या नाम है आपका? अरकम। देखिए ये ओम साईं ट्रेवल्स की बस थी जो इंदौर से छतरपुर जा रही थी। दरगाह के पास जो नाला है ये बस जो अभी प्रारंभिक रूप से लगाए कि संभवतः स्पीड ज़्यादा रही होगी, अनियंत्रित होकर के नाले में गिरी है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है इसमें। अभी जो प्रारंभिक रूप से हमें 5 बॉडी मिल गई हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 5 लोगों की, 11 लोग जो गंभीर घायल थे उनको भोपाल हमीदिया में रेफ़र किया है, और 7 लोग हैं जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। इसमें सर अभी कुछ लोग मिसिंग भी बताया जा रहा है, बच्चे साहब? अभी हम और SP मैडम वहीं थे, सब लोग यहाँ पर हैं, वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, क्रेन से उस बस को निकाल रहे हैं। इसकी भी संभावना हो सकती है कि बस के अंदर कुछ लोग अभी फंसे हों, क्योंकि चूंकि नाले में बहाव बहुत तेज़ है और लगभग बस का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा पूरा डूबा हुआ है, तो हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, संभवतः थोड़ी देर में पूरी बस हम बाहर निकाल लेंगे, तब यदि अंदर कोई और भी होगा तो पता लगेगा। होमगार्ड की टीम है, SP मैडम ने पुलिस के सभी जवान भी लगाए हुए नीचे तक, जो एक वो बना हुआ है नीचे स्टॉप डैम,
वहाँ तक लगाया हुआ कि यदि कोई बह के भी लोग गए होंगे किसी बॉडी होंगे तो हम लोग सुबह भी उसमें सर्च कराएंगे, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। प्राइमरी इनको कुछ हेल्प करना, जितने भी घायल हैं सभी को 10-10 हज़ार रुपये रेड क्रॉस से सुविधा है। जो अचानक से बस जो पुल से गिरी है, ओम साईंराम ट्रेवल्स की एक बस जो इंदौर से छतरपुर चलती है वो भोपाल से होते हुए और लगभग 1:15 बजे के आसपास रायसेन के आउटर में पहुंची। वहां पर अधीक्षल नदी का एक पुल है, वहां पर वो नीचे पानी में गिर गई और जिससे बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। कुल 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है इस हादसे में, 20 लोग अभी तक घायल मिले हैं जिसमें से 7 गंभीर अवस्था में थे, उनको रेफ़र करके हमीदिया अस्पताल पहुँचा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर दोनों ही स्पॉट पर सूचना मिलते ही पहुंच गए थे। वो लगातार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खुद सीधे तौर पर अपने हाथ में रखे हुए हैं और अस्पताल में भी जो उनको प्राथमिक उपचार दिया जाना था वो दिया जा चुका है। सर, इन जो 5 कैजुअल्टी बताई, इनके अलावा एक बच्चा और एक व्यक्ति और मिसिंग है, इसकी भी तलाश की जा रही है। अभी ये बताया गया है कि एक बच्चा और एक व्यक्ति अभी मिसिंग है तो उनको भी हम तलाश कर रहे हैं। चूँकि पानी है नदी में तो सारी संभावनाओं को हम तलाश कर रहे हैं। होमगार्ड के जो गोताखोर है, तैराक है, वो टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और उसकी अभी लगातार तलाश जारी है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।